हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। देखिए, छठ का त्यौहार दिल्ली वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और ख़ास करके आज का दिन जो सारी व्रति होती हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं और उसी के लिए पूरी दिल्ली में छठ घाटों की तैयारी की जाती है। घाट बनाए जाते हैं, वहाँ पे पानी का, सिक्योरिटी, लाइट, साउंड, टेंट, सारे का अरेंजमेंट किया जाता है और बिल्कुल युद्ध स्तर पर पिछले कुछ दिनों से काम चल रहा है। और आज सुबह हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर DDA फ्लैट्स आस्था कुंज में, ईस्ट ऑफ कैलाश के बगल में, देखने के लिए कि तैयारियाँ पूरी हैं। इस समय दिल्ली के सारे मंत्री, सारे विधायक, पार्षद, अफसर ग्राउंड पर हैं ये देखने के लिए कि आज शाम जो सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाना है उसके लिए सारे घाटों की तैयारी पूरी हो। यहाँ पर करीब कितने जो व्रती हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकेंगे, कितनी व्यवस्था है यहाँ पे? जो आस्था कुंज का DDA पार्क है, यहाँ पे दो काफ़ी बड़े बड़े घाट हैं, हम एक के सामने अभी यहाँ पे खड़े हैं, दूसरा भी घाट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कम से कम 30-40 हज़ार लोग आते हैं आज शाम को, और कल सुबह भी इतने ही हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, हमारा ये प्रयास रहता है कि कोई भी कमी ना रहे हमारे पूर्वांचल के भाइयों और। दिल्ली सरकार के सभी विभाग, MCD का साफ सफाई का विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से टेंट, लाइट, साउंड की व्यवस्था, फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह घाट खोदे गए हैं, जल विभाग की तरफ से उनके अंदर पानी भरा जा रहा है, और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी दिल्ली सरकार और MCD इस बार छठ पर्व के अंदर कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि उन्हें गांव जाने की ज़रूरत है। यहीं पे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे कृत्रिम साफ़ सुथरे घाट बनाए गए हैं जिसके अंदर साफ़ सफाई का ध्यान भी है, स्वच्छता भी है, और लोग जो है भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सारे इंतजाम सरकार द्वारा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मुख्य इसमें पानी में खड़े होकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, वो पानी साफ रहे, स्वच्छ रहे, इसे लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश? देखिए, यहाँ का जो पानी है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ये गंगा का पानी है, गंगा का पानी है और पीने योग्य पानी है, और अरविंद केजरीवाल जी के साफ निर्देश हैं सभी विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को, खुद विधायकों को, पार्षदों को एक एक घाट का दौरा करना है, वहाँ की व्यवस्था देखनी है, और अगर व्यवस्था के अंदर कमी है तो तुरंत अफसरों की संज्ञान में ला के उसको दूर कराना है। मैं समझता हूँ आज सारे विधायक और पार्षद जो है ग्राउंड पर उतरे हुए हैं और शाम तक जो है व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो जाएगी।